अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मुगलाई चिकन, और ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली बन जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से वीडियो देखते हैं तो लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलें करते हैं रेसिपी स्टार्ट। और अब इंग्रेडिएंट नोट कर लें, हमने 1 kg जो है वो चिकन लिया है, और वो भी सिर्फ लेग पीस लिए हैं। और इसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है तकरीबन आधी प्याली है, और 1.5 चम्मच हमने मिर्चें ली है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, और 1 भर के चम्मच लिया है पाउडर धनिया पाउडर का, और ये ज़ीरा है 1 चम्मच, और ये साल्ट हमने तकरीबन मिर्चों से थोड़ा सा कम लेना होता है, और ये है लेमन, लेमन के हमने 2 चम्मच लिए हैं। और इन तमाम चीज़ों से हमने मैरिनेट कर लिया है चिकन को, और इसे हम तकरीबन आधा घंटा रख लेंगे या 1 घंटा रखेंगे। उससे ये होता है कि मैरिनेटेड बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी और क्विक बन जाता है, तो इसलिए हम मैरिनेट करने के लिए तकरीबन हाफ आवर के लिए रख देंगे ढककर। और उसके बाद हमने जो चीज़ें चाहिए वो भी नोट कर लें आप, जब तक ये मैरिनेट हो रहा है। तो दूसरी चीज़ें जो सी वो मैं आपको बताती हूँ जो ग्राइंड करनी है, तब तक ये चीज़ें आप ग्राइंड कर लें जब तक ये मैरिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने धनिया लिया है वो 1 प्याली लिया है, और 3 हमने हरी मिर्च ली है, ये दही लिया है, बादाम लिए हैं, और इसके बाद काजू लिया है, और ये है कोकोनट पाउडर, टमाटर और अनियन जो सा है यानी प्याज फ्राई कर लिया है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को करेंगे ग्राइंड। और सबसे पहले हमने दही डाला, उसके बाद हमने हरी मिर्चों से वो डाल ली, धनिया डाल लिया, और अब बादाम डाले हैं, अब इसमें डालेंगे काजू और कोकोनट पाउडर डालेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर जो हमने कट किए हुए हैं, और इसके बाद एंड में हम अनियन जो सब हमने फ्राई किया हुआ है। इन तमाम चीज़ों को करेंगे हम ग्राइंड। और इसके बाद अब हमने लिया एक फ्राई पैन, इसमें हमने डाला है ऑयल, और इसमें हम जो से मसाले डालेंगे वो भी आप नोट कर लें। हमने सबसे मसाले जो से हैं वो इसमें काली मिर्च है, साबुत, ज़ीरा है, 3 इलायची छोटी हैं, और 1 बड़ी इलायची है, और इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे फ्राई। और जब ये थोड़ा सी फ्राई हो जाएगी यानी कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसे काला नहीं करना है या ना ही ब्राउन करना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सी जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम मैरिनेट किया हुआ जो सा चिकन है वो इसमें डाल देंगे, और हम तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। और ये देखें हमने इसमें डाल दिया है, और इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे रख देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए। और हमने इसे कवर कर दिया था, अब हम इसमें डालेंगे वो ग्राइंड किए हुए तमाम चीज़ें जो हमने ग्राइंड किए थी, जिसमें बादाम थे, काजू थे, धनिया था, मिर्चें थी, कोकोनट पाउडर था, और उसके अलावा टमाटर था, प्याज था जो सा फ्राई किया हुआ, और दही था। हम तमाम चीज़ें ग्राइंड कर ली थी और तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर उसके बाद इसे कवर कर देंगे। ये देखें इस तरह हमने इसे अच्छे से पहले हिलाना है ताकि ये हर पीस को लग जाए मसाला जो सा है, उसके बाद हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। जब तक ये फ्राई हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से मेरे वीडियो देखते हैं वो लाइक करना मत भूलें। और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर शेयर भी किया करें। और अब हमने इसमें डाल दिया है दही, दही जो सा है वो इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे। और ये देखें अब हम इसको चेक करते हैं, दही जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, क्रीम जो सी है वो भी तकरीबन हम 1 प्याली जो सी है वो इसमें ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से हलाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, और आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। ये देखिए अब हमने इसमें मलाई डाल दी है यानी क्रीम, क्रीम जो सी आप बाज़ार से कोई भी ले सकते हैं जो सी आपको पसंद है। तो ये देखिए हमने क्रीम जो सी इसमें डाल दी है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अगर चाहें तो घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाहर की जो सी क्रीम होती है इसका जायका जो है वो अलग से होता है, तो इससे टेस्ट दुपाला हो जाता है। और ये धनिया जो सा हमने वो डाल दिया है, अब इसे 5-10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। और ये देखिए अब हमारा बनके तैयार हो चुका है मुगलाई चिकन, तो इसे हम सर्व करेंगे। तकरीबन इसे हम 5 से 8 लोग जो से वो इजीली खा सकते हैं।
सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसे आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें वैसे भी खा सकते हैं चम्मच के साथ। बहुत ही ये टेस्टी बना है और इसे आप अच्छे से गार्निश कर लें। उसके लिए आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपने इसके अंदर डाली हैं। उसके अलावा धनिया इसमें ऊपर लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारा मज़ेदार मुगलाई चिकन जो है बनकर तैयार हो चुका है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, जो न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।